अधिक देखने तरी निरंजन पहाड़े योगी राज मना आदि मौली ज्ञानेश्वर महाराज विश्वव्यापक परमात्मा अनुभूति आने के लिए और वो अवस्था प्राप्त होने के लिए अंतिम अवस्था अवीत अवस्था काय क्या क्या करना पड़ता है इस सब विषयों का साकल्य पूर्वक
विचार इस अभंग में कहते हैं जिसका चिंतन हम कर रहे हैं। एक दृष्टि है अज्ञान दृष्टि, दूसरी है ज्ञान दृष्टि। जिसे हम चर्म दृष्टि कहते हैं उस अज्ञान दृष्टि को देखने के लिए दृष्टि चलनी पड़ेगी। दूसरी बात सूर्य प्रकाश चलिए, माध्यम चलिए, इसके बिना और वृत्ति स्थैर्य चलिए, उस पदार्थ का ज्ञान चलिए। कुछ पदार्थ हम देखते भी हैं लेकिन उसका ज्ञान हमें नहीं होता। हम पूछते ये सब्जी किसकी है, उस पदार्थ की जाति फूल हमें पदार्थ का मालूम नहीं था। हम जिज्ञासा पूर्वक जानते अंधकार होने के कारण, माध्यम नहीं होने के कारण वो पदार्थ यथार्थ स्वरूप से हमें नहीं दिख पाता। कोई माध्यम होना चाहिए। और अगर हम नेत्रहीन हैं तो भी हमें नहीं दृष्टि चाहिए, लेकिन वो बाह्य दृष्टि के हिसाब से अंतर्दृष्टि का होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। अंतर्दृष्टि संत वाङ्मय में, और मेरे पास गाथा उपलब्ध नहीं है, जो ब्रह्मांड में हो पिंड में है, और जिसको पिंड ज्ञान हुआ उसको ब्रह्मांड ज्ञान होने के लिए कहीं घूमना नहीं पड़ा। ऐसे बहुत से संत हो गए जो अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं भी नहीं गए, लेकिन किस में क्या है वो यहाँ बैठ कर वो करते। सिद्धि प्राप्त होने के बाद बताना अलग बात है। दूरदर्शन सिद्धि है, दूर श्रवण सिद्धि है। ये सिद्धि प्राप्त होने के बाद बताना बात अलग है, लेकिन वो ब्रह्मांड का ज्ञान पिंड में होना बहुत। तो एक चिठाई वही सला पर सर्वत्र तोची गेला सर्वांग अभ्यासना सकल ही दे नहीं। मौली कहते हैं वो कहीं जाता नहीं कहीं आता नहीं, वो एक स्थिर आसन होता। स्थिर आसन होने के बाद पर सर्वत्र तोच लेना, दूसरे की पीड़ा मेरी पीड़ा, दूसरे का सुख मेरा सुख, ये भाव जिसके अंतकरण में प्रकाशित हुआ सर्वांग अभ्यास का सकल ही देना। चर्म दृष्टि होना विशेष बात नहीं है। सूरदास जी प्रभु की कथा बताई जाती है, आपको मालूम भी होगी। जो जन्मांध है वृंदावन बाकी बिहारी का दर्शन के लिए गए, नयन मनोहर लावण्यवत रूप देखने की इच्छा उनके भी मन में जागृत हुई। कोई भी वस्तु का ज्ञान पहले श्रवण से होता है, पर अपने श्रवण की जो कथा है सुदेव ब्राह्मण के मुख से भगवान का सौंदर्य श्रवण मात्र से ही उनकी दर्शन की अभिलाषा जागृत हुई। और वो कैसे होगी इसका चिंतन रुक्मिणी माता, इसका बहुत सा विस्तार से चिंतन रुक्मिणी स्वयंवर में एकनाथ महाराज ने किया है। 1200 रुपया उसने सुंदर चिंतन, स्त्री सौंदर्य कैसा देखना चाहिए, पुरुष सौंदर्य कैसा देखना चाहिए, सुंदर चिंतन। सूरदास जी हो गए, जाने के बाद द्वारकाधीश को दर्शन दिए गए थे। द्वारिका दर्शन के वहां वो राजा है, वो भक्त के लिए आया हुआ नहीं। राजा हो तो राजा के राजभोग चलते हैं, वहां बाल भोग है, राजभोग है, सभी व्यवस्था उपचार चलते हैं। हर समय भगवान की पूजा और उपचार होने के बाद श्रृंगार दर्शन शैया दर्शन आदि आदि होते हैं, तो पर्दा डाला जाता है। ये पंढरपुर में नहीं चलता,
वो राजा है या राजा के उपचार या भक्त के उपचार चलते हैं। आषाढ़ी और कार्तिक को अष्टमी को भगवान को पीछे तकिया बिठाया जाता है, खड़े हो जाओ। पूर्णिमा तक 8 दिन सिर्फ नित्य उपचार की, एक ही सुबह की पूजा, दोपहर का एक ही भोग चलता है, शाम को दोपहर तक बाकी सब उपचार बंद। क्यों? आला भक्ति का था, वो भक्त के लिए आया है, वो उपचार लेने के लिए वही नहीं आया है। श्रृंगार दर्शन चालू था, पर्दा डाला था, तो सभी भक्त लोग बैठे थे दर्शन पाने के लिए। दर्शन बारी में एक साहूकार सेठ जी धनिक आगे बैठा था, उसके हाथ में बड़ा सा पात्र था, उस पात्र में दिव्य व्यंजन भोग पदार्थ सुंदर पुष्पमाला सुगंधित द्रव्य आदि उपचार के साहित्य थे। 5-10 मिनट भगवान के दर्शन में पट खुलने वाले थे, सभी लोग राह देख रहे अभी पट खुलेंगे दर्शन पाएंगे। अंतरंग जो भक्त है वो उनको दर्शन सुबह ही होता है रोज। बैठे थे सूरदास प्रभु, चिंतन चल रहा था, भगवान का नयन मनोहर दर्शन पाना है। वो सेठ जी था, वो जप नहीं कर रहा था, इनके जप में व्यवधान कर रहा। प्रभो नमस्ते नमस्ते, कहाँ से हो? हम पूछते हैं कहाँ से हो, क्या करते हो, व्यवसाय क्या कर रहे हैं, शादी हुई या नहीं, बाल बच्चे क्या करते हैं, किराया का घर है या खुद का घर है। ये एक भी उत्तर सुरदास जी प्रभु ने नहीं दिया, अपने चिंतन में व्यग्र थे। बाद में उसको क्रोधित होकर वो बोला, आप यहाँ बैठे हैं, आप तो जन्मांधा है, कुछ भी नहीं दिखता आपको, दृष्टिहीन है, वर्मस्पर्शी आदमी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो बोल चुके। सूरदास जी को तो आदत हो गई थी, भगवान का भी श्रृंगार होगा, वस्त्र उपवस्त्र उत्तरीय वस्त्र नाना प्रकार का श्रृंगार, बिंदी कवच कुंडल नाना प्रकार के आभूषण बाहुवट उनको पहनाए जाएंगे, और वो नयन मनोहर दर्शन देने के लिए दृष्टि का होना आवश्यक है। आप तो देख नहीं सकते, आप खड़े हैं यहाँ दर्शन के लिए, दूर हो जाओ, कोई अलग आएगा दर्शन पाके जाएगा। सूरदास जी को प्रभु खट्टा हो गया, अंतकरण क्षति पहुंच गई, और वो विचार करते बोलने की इच्छा नहीं थी, लेकिन ठाकुर जी के सामने बोले थे इसलिए वाणी का संयम छूटा। आप तो दर्शन नहीं पा सकते, दृष्टिहीन है, देख नहीं सकते, दूर हो जाओ, कोई अलग आएगा दर्शन पाके जाएगा। सूरदास जी प्रभु बोले, ठीक है, मैं दर्शन नहीं पा सकता, मैं दृष्टिहीन हूँ, मैं अंधा हूँ, लेकिन जिसके दर्शन के लिए आया हूँ वो तो अंधा नहीं है, बस उन्होंने देखना चाहिए, मैं आया हूँ इसलिए आया हूँ, मुझे देखने के दृष्टि नहीं है कि मुझे पता है, वो तो विश्वत चक्षु है। तुकाराम महाराज जी पत्रिका के अभंग में कहते हैं, बहु कान दृष्टि आई के देखना पुरोनिया जना उरला से, वो देखता है, वो दृष्टि देता है। उनका वर्णन अभिषेक महाराज कहते हैं, वो देख लिया देठी चा दीपू, देख लिया देठी चा दीपू, देखने दृष्टि वाले का दीप है वो परमात्मा, और वही परमात्मन योगीराज है। भगवान कृष्ण को जो पदवी देते हैं, लाला कृष्ण बाल कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण युगल कृष्ण, और 8वीं एक पदवी है योगेश्वर कृष्ण,
वो योगेश्वर है, योगी राज है। इसलिए पीड़िता बंदनाचार ठाकुर तू जगत बंधु ऐसा रहा हो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। बाकी के योगीराज जो है हमको उसमें अड़काते हैं, ये छोड़ने वाला है, जगत बंधन से मुक्त करने वाला योगीराज भगवान कृष्ण, इसके लिए उनको कहते हैं कृष्ण मंदे वो योगीराज।